तौर पर जब आदमी बाहर जाता है और जब खासकर जब कोई महानगर पालिका निगम जाता है तो ज़रूर वहाँ से वो कुछ ना तो कुछ उसको एक नई चीज़ सीखने को देखने को मिलती है। पता है कि वन टाइम सेटलमेंट जो बहुत जल्दी हो जाएगा, वन टाइम सेटलमेंट में हमने सरकार को यहाँ से MIC से पास करके, सामान्य सभा से पास करके हमने मंत्रालय हमने भेजा है, तो मुझे लगता है जब ये पास हो जाएगा और बहुत कुछ खुले प्लाट में भी वहाँ पर जो टैक्सों का जो सिस्टम है वो हम वहाँ पर देख कर आए हैं। हम जो अपने नगर निगम में लागू करेंगे कि जो सरकारी हॉस्पिटल में जब बच्चियाँ पैदा होंगी, बेटियाँ, उनके लिए 20,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट, इसको पहले MIC से सामान्य सभा से पास करके सरकार के पास भेजेंगे, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि ये काम हम लोग करेंगे। 20,000 रुपया उनके खाते में फिक्स डिपॉजिट हम कराएंगे। जब वो बच्ची 18 साल की हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उसकी शादी के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके लिए उसको वो काम आएगा। जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, सुबह 6 बजे से निकलते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पड़ी रहती है कि बस हम लोग काम ख़त्म करें और नाश्ते के लिए अपने घर जाएं या नाश्ता करने कहीं रुक जाएं। मगर अब ऐसा नहीं होगा, हमारा यह प्रयास रहेगा कि 4,000 या 5,000 कर्मचारियों को रायपुर नगर निगम के माध्यम से सुबह नाश्ते की व्यवस्था उनके लिए की जाएगी। ब्रेकफास्ट जो होता है वो अब उनको घर में जाने की या होटल में जाने की नहीं, मगर रायपुर नगर निगम उनको यह उपलब्ध कराएगा। रैन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं है, इस बात को मैं मानता हूँ, और बेंगलोर में ये पूरे शहर में कंपलसरी है। आप अगर घर भी बना रहे हैं तो ये छोटा सा भी घर बना रहे हैं तो आपके लिए कंपलसरी है। अब हम इसको MIC से पास करके, सामान्य सभा से पास करके यह भी प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे कि रैन हाउसिंग सिस्टम, अगर आदमी 1,000 फीट का भी घर बना रहा है, 500 स्क्वायर फीट का भी घर बना रहा है, तो वो उसके लिए कंपलसरी होगा।